से है जहां पर सीमेंट संयंत्र के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीमेंट संयंत्र के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खत्म हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि सीमेंट संयंत्र ने हमारी 5 मांगों को पूरा कर लिया है, जबकि 6 मांगों को 20 दिन के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। दरअसल बीते 26 जुलाई को एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दिलाने और इस दौरान राकेश समर्थकों ने सीमेंट संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन देर शाम होते होते प्रबंधन ने उनकी मांगों पर बातचीत की और 11 सूत्रीय मांगों में से 5 को तुरंत माना और 6 को 20 दिनों के भीतर पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है। क्षेत्र के युवा बेरोजगारों के मांग पर हम लोगों ने आज आंदोलन श्री सीमेंट में किया। हमारे मजदूर भाई और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 11 सूत्री मांग हम लोगों ने रखी थी, जिसमें से 5 मांगों को श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया और 6 मांग को 20 दिन के अंदर जारी करने की बात उन्होंने कही है, जिसके आधार पर हम लोगों ने आंदोलन को खत्म किया। अगर बाकी जो मांगे हैं 20 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो क्या फिर से आंदोलन होगी? बिल्कुल, अगर ये जो हमारे 6 मांग हैं उसके लिए हमारी और प्रबंधन से स्पष्ट रूप से बात हुई है कि अगर 20 दिन के अंदर इन मांगों को आप पूरा नहीं करते तो इससे भी बड़ी उग्र आंदोलन हम लोग यहाँ पे आके करेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया।